हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लार्ज ऑफ पास्कल। बेसिकली यहाँ पे फाइव अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं जिनको हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले, प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेड विद इंक्रीज इन डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। मतलब अगर हम एक कंटेनर लेते हैं तो उसमें ड्यू टू लिक्विड कॉलम जो प्रेशर होगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे जैसे उस लिक्विड कॉलम को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो एक बलून का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हम इनिशियली अगर 100 ml वाटर फिल करते हैं तो जैसे जैसे हम वाटर के अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे उस बलून के बॉटम पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक और फार्मूला हमारे पास है, पी इक्वल्स एच रो जी। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे एच की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे पी की वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पी कहीं ना कहीं क्या है, डिपेंड ऑन एच। ओके, एंड पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। सेकेंड, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। मतलब ये कि अलग अलग लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा वो अलग अलग होगा। अगर हम बात करें कि एक थ्री अलग अलग लिक्विड लेते हैं, अल्कोहल, मिल्क या वाटर, ठीक है, अब इन सब की वजह से अगर हम प्रेशर चेक करें तो सबका, चूँकि डेंसिटी अलग अलग है, तो इसका मतलब है कि सबका प्रेशर भी क्या हुआ, भले ही वो अमाउंट सेम है लेकिन ड्यू टू डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी, वो क्या होगा, प्रेशर अलग अलग फील होगा। ठीक है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कहीं ना कहीं वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, पी डिपेंड्स ऑन रो। जैसे जैसे हम रो की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे पी की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड, प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ गिवन पॉइंट इन द लिक्विड। किसी लिक्विड कंटेनर, किसी कंटेनर में अगर हम लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड के वजह से कंटेनर के वॉल्स पे या चारों तरफ हम कहें तो वो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, सब तरफ प्रेशर सेम होगा। अगर हम उसको एक एग्जांपल के तौर पर और लिखना चाहें तो अगर हम एक ऐसा कंटेनर लें जिसमें हम चारों तरफ क्या कर रहे हैं, हर अलग अलग डायरेक्शन से हम सेम हाइट पे क्या कर रहे हैं, होल बना देते हैं। ठीक है, जैसे इधर भी बनाया, इधर भी बनाया उसी हाइट पे, बॉटम से, बॉटम से उसी हाइट पे इधर बनाया। अब क्या कर, जैसे जैसे लिक्विड इंक्रीज करते जाएंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेंगे तो देखते हैं कि उस होल से जो वाटर निकलने वाला है वो सेम अमाउंट पे वाटर निकलता है और सेम हाइट तक या सेम डिस्टेंस तक वो वाटर जाता है। ऐसा नहीं कि किसी तरफ ज़्यादा दूर तक जाएगा, किसी तरफ कम ही होगा या नहीं होगा, वो प्रेशर इक्वल है, सारे डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल होता है, जिसकी वजह से वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इक्वली बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ गिवन डेप्थ इन और स्टेशनरी लिक्विड। हम ये कह रहे हैं कि कंटेनर में अगर लिक्विड है तो उसके वजह से उसके वाल्व पे जो प्रेशर वो सेम है, ठीक है, चारों तरफ जो प्रेशर है वो सेम है, बट बॉटम पे जो प्रेशर होगा ना वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, किसी भी कंटेनर में अगर हम लिक्विड लेते हैं तो उसके वजह से वाल्व पे प्रेशर सेम होगा, बट जो बॉटम होगा उसके बॉटम पे प्रेशर, किसी बॉटम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक करें या बॉटम की बात करें तो हर जगह जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, वो वाल्व के कंपेरिजन में। ओके, ना और लिक्विड से इट्स ऑन लेवल, हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि इनिशियली ग्लास फ्लास्क में हम जब वाटर लेते हैं तो इससे अटैच जो भी ट्यूब से उनमें क्या होगा, लेवल सेम होता है। ऐसा नहीं कि वाटर फिल करते हैं तो एक में वाटर गया ही नहीं और दूसरे में वाटर, दूसरे ट्यूब में वाटर शो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लेवल होगा वो सबका सेम होगा, तो वो इसी रूल के थ्रू। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं पास्कल्स का, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। ठीक है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर कंटेनर में अगर लिक्विड इन्वॉल्व, उसमें लिक्विड है तो हम प्रेशर अगर उस पर इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से वो कैसे ट्रांसमिट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट, एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हम इस ग्लास फ्लास्क को देखें, इसमें फोर अटैच जो ट्यूब्स हैं, इनिशियली वाटर फिल करने पे क्या है,
कि वो लेवल सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम पिस्टन के थ्रू उसको हम प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो फिर क्या होगा, वो अगर जितना भी प्रेशर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो चारों ट्यूब्स में सेम अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके वजह से जो लेवल होगा वो सेम तरीके से इंक्रीज करेगा और सेम लेवल होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन के थ्रू कि वो लेवल सब में सेम है, ठीक है, पहले भी सेम था लेकिन जो हम प्रेशर इस पर एग्जर्ट किए वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, चारों ट्यूब्स में अलग अलग, और जिसके वजह से क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से सबका लेवल भी सेम है। अब हम बात करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ से एक दूसरा जो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है वो ये भी हो सकता है, एन इनक्लोज्ड फ्लूइड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, मतलब इनक्लोज्ड कंटेनर है तो कहीं ना कहीं लिक्विड है, तो इसमें हम अगर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। नाउ अब इस पास्कल्स लॉ का यूज कहाँ है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग यूजेस लिखा हुआ, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, इन हाइड्रोलिक प्रेशर एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इन तीनों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं पास्कल्स लॉ का यूज करके हम वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।